मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 मोबाइल सहित 2 आरोपियों को सट्टा लिखते हुए गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी डागुर ने बताया कि इनके द्वारा किराए के कमरे में मोबाइल पर सट्टा लिखा जाता था। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए माली धर्मशाला के पास दबिश दी गई, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 मोबाइल, सट्टे की पर्चियां और भारी मात्रा में सट्टा कारोबारी से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोपियों से पूछताछ करने पर जानकारी प्राप्त हुई, ये दोनों लोग केवल सट्टा खवाल की नौकरी करते हैं और इनका मुख्य सरगना धार जिले के राजगढ़ में रहता है, वहीं से सारा कारोबार संचालित किया जाता है। पुलिस द्वारा आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है और राजगढ़ निवासी दिलीप भंडारी और भूपेंद्र काकरिया, जिनके विरुद्ध पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। खरगोन पुलिस अधीक्षक श्री सुनील कुमार पांडे द्वारा लगातार अवैध व्यवसायियों के विरुद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। उनके द्वारा निर्देश दिए गए कि इनकी कार्रवाइयाँ हों सख्त। कल मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो राजगढ़ धार जिले में पड़ता है, वहाँ के दिलीप भंडारी और सुरेंद्र भूपेंद्र काकरिया नाम के 2 व्यक्ति यहाँ पे मोबाइलों के माध्यम से सट्टे का संचालन कर रहे हैं। सूचना बहुत मुखबिर का अहम थी। इस आधार पर सर्च वारंट प्राप्त किया SDOP महोदय से और सर्च वारंट के आधार पर यहाँ तालाब चौक के पास स्थित एक किराए के मकान पर दबिश दी गई। तो 8 मोबाइल लेके 2 आरोपी लगातार ऑनलाइन मिलन का और कल्याण का सट्टा भर रहे थे, जिनको पकड़ा, जिनसे कब्जे से 8 मोबाइल, 2500 रुपये नकदी और करीब 35-40 बलन का रिकॉर्ड जब्त किया गया। कुछ पुराना रिकॉर्ड भी जब्त किया, जिसमें ये लगातार कई वर्षों से इनका सट्टा संचालन करना पाया गया है, जिसके पीछे ये लेबर हैं और उनके पीछे वो जो धार का से संचालन हो रहा है, उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। धार का जो बड़ा खाईवाल है, इसकी शोहरत यही आ रही है कि काफ़ी बड़ा खाईवाल है वहाँ का, राजगढ़ का, और इनके विरुद्ध धारा 120 भी और 109 IPC के तहत इनको भी आरोपी बनाया गया है। और जो इनके किसी खाईवाल के पेटलाबाद में बैठने की सूचना, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।